प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने UPA2 का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है और सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं। PM ने अपने संबोधन में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। PM ने कहा कि UPA के दौर में खाद्य सब्सिडी 3 गुना हो गई है और विकास की प्रक्रिया में गरीबों की भी भागीदारी पक्की की गई है। कृषि विकास दर औसतन 3.7 रही है। PM का दावा है कि सरकार महंगाई पर काबू पा रही है। PM ने कहा कि मंदी के दौर में भी सरकार ने अच्छा काम किया। NDA की सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि खाली गिलास मिला भरने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि सोनिया के नेतृत्व में सरकार ने कई कामयाबियां हासिल की हैं। विदेश नीति पर भी उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से रिश्ते बेहतर हुए हैं। इस मौके पर UPA अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और अहम बिल पास न होने पर अफसोस भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और बचाव में आने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में UPA सरकार अपने 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर जश्न मना रही है, लेकिन सरकार जिनकी बैसाखियों पर चल रही है वो धुरंधर डिनर पार्टी से बाहर हैं। जी हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की और सपा सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की। कांग्रेस पार्टी UPA2 सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के जश्न में डूबी हुई है और एक बार फिर सपा और बसपा ने गुड़ तो खाया लेकिन गुलगुलों से परहेज किया। माया और मुलायम दोनों ने डिनर पार्टी से बाहर रहने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के 22 सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास 21 सांसद हैं जो UPA सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हालांकि मायावती और मुलायम सिंह यादव केंद्र को कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस CBI का डर दिखाती है और इन दोनों पार्टियों की धमकी की हवा निकल जाती है, ऐसे आरोप लगे हैं। फिलहाल सपा का समर्थन बाहर से जारी है और पार्टी केंद्र की कमियां भी गिना रही है। तृणमूल कांग्रेस और DMK के समर्थन वापसी लेने के बाद केंद्र सरकार को सपा और बसपा की पहले से ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अगर सपा और बसपा केंद्र सरकार से अलग अलग मुद्दों पर समर्थन वापस लेने का दम दिखाती हैं तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन समर्थन वापसी के आसार लग नहीं रहे। दिल्ली में UPA2 आज जश्न मना रही है, लेकिन आज दिन में BJP ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई बार किया। सदन में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार के पास 4 सालों में कोई उपलब्धि नहीं है। सुषमा ने पूरी तरह से सरकार को भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ बताया। BJP के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने भी UPA2 की सरकार को निशाने पर लिया। अरुण जेटली का कहना है कि सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियों का झूठा प्रचार कर रही है, जिसे जनता भी अच्छी तरह से समझती है। सरकार पर निशाना साधते हुए जेटली ने कहा कि अहंकार में डूबी हुई सरकार को इस चुनाव में जनता जरूर सबक सिखाएगी। वरुण गांधी की रैली से ठीक पहले BJP में शामिल किए गए सुल्तानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक सोनू सिंह के मुद्दे पर पार्टी में हायतौबा मचने लगी है। सुल्तानपुर में वरुण गांधी की रैली से ठीक पहले BJP में शामिल किए गए आपराधिक छवि के पूर्व बाहुबली विधायक सोनू सिंह के मुद्दे पर मची है हायतौबा। अब पार्टी को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। इलाहाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुरली मनोहर जोशी से इस बारे में सवाल किया गया तो सोनू सिंह के बारे में उन्होंने कुछ भी जानने व पहचानने से इनकार करते हुए चुप्पी साधे रखने में ही भलाई समझी। कौन है ये, मैं तो जानता नहीं, इन्हें कौन सज्जन है, मैं मालूम करूंगा वो ये कौन है। डॉक्टर जोशी के इनकार करने पर जब उनसे यह बताया गया कि सोनू सिंह के कारनामों के चर्चे अक्सर UP के सियासी गलियारों में होते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि दरअसल वह राष्ट्रीय नेता हैं और UP के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, इसीलिए सोनू सिंह के मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है, उस पर वह कुछ नहीं बोल सकते। खास बात यह है कि डॉक्टर जोशी जिस इलाहाबाद के रहने वाले हैं वहीं पर फरवरी 2006 में 8 हत्याओं के आरोप में सोनू सिंह सालों से इलाहाबाद की जेल में रह चुका है, फिलहाल वह जमानत पर है। डॉक्टर जोशी ने अमित शाह को UP का प्रभारी बनाए जाने के मामले में भी गोलमोल जवाब देते हुए चुप्पी साधे रखने में ही भलाई समझी। पुराना पाप आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जैसिका लाल हत्याकांड में बोला गया झूठ बॉलीवुड एक्टर शान मुंशी की गले की हड्डी साबित हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में उन पर केस चलाने का आदेश दिया। इस अपराध के लिए उन्हें अधिकतम 7 साल के कारावास की सजा हो सकती है। उच्च न्यायालय ने 17 अन्य गवाहों को मुकदमे में झूठी गवाही देने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन अदालत ने अपने रजिस्ट्रार जनरल से मुंशी और बैलिस्टिक विशेषज्ञ PS मनोचा के खिलाफ निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराने को कहा। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2006 में जैसिका लाल हत्याकांड में फैसला सुनाने के दौरान मामले में गवाहों के अपने बयान से मुकरने पर स्वतः संज्ञान लिया था और अभियोजन पक्ष से पूछा था कि मुकदमे के दौरान कैसे उन्होंने रवैया बदला।
जैसिका लाल की हरियाणा कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी जब दक्षिण दिल्ली के टैमरिन कोर्ट में आयोजित एक पार्टी में जैसिका लाल ने शराब परोसने से उन्हें मना कर दिया था। आर्म्स एक्ट के तहत सजा काट रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को मुंबई की आर्थर रोड जेल से पुणे की यरवदा जेल शिफ्ट कर दिया गया। एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को रात में ही गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। 53 साल के संजय दत्त को 1993 के मुंबई धमाके के मामले में 3.5 साल की सजा मिली है। इस बात को लेकर शुरू से ही संशय बना हुआ था कि संजय दत्त को कहां रखा जाएगा। आमतौर पर आर्थर रोड जेल में अंडर ट्रायल कैदियों को रखा जाता है और सजा मिलने के बाद उन्हें महाराष्ट्र सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। संजय दत्त ने पहले अपनी जान को खतरा बताते हुए पुणे की यरवदा जेल में सरेंडर करने की बात कही थी, लेकिन बाद में याचिका वापस लेकर कोर्ट में ही सरेंडर किया था। संजय को साउथ मुंबई की हाई सिक्योरिटी वाली आर्थर रोड जेल से करीब आधी रात एक वैन से यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है नए राजनीतिक चेहरों का प्रयोग। लोकसभा चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है। बीजेपी के बड़े नेताओं के चुनाव लांघने के फैसले के रहस्य से पर्दा उठना भी अभी बाकी है। इतना ही नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश कब आएंगे ये भी अभी तय नहीं है। इस बार मुद्दा बने हैं मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह और इसी के साथ शुरू हो गई है नए चेहरों के प्रयोग की परंपरा। केंद्र में समाजवादी पार्टी का समर्थन ले रही कांग्रेस भी इन दिनों सभी कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी को आगे कर रही है। इसे भी कांग्रेस का नया राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह कुछ नहीं कर पाए तो आखिरकार अमित शाह क्या कर लेंगे। बीजेपी नहीं जब सुधर पाई तो उनके दूत उसमें क्या सुधार कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ नए राजनीतिक चेहरों के प्रयोग पर समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कसा है। सपा ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की देखा देखी कर रहे हैं और चेहरा चाहे कोई भी हो, चाहे अमित शाह आ जाए या कोई भी, उससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह के तेवर विपक्ष दिखा रहा है उससे ये साफ है कि नए चेहरों के लिए उत्तर प्रदेश में सियासत की नई जमीन बना पाना उतना आसान नहीं होगा। एक बार फिर अधिकारियों पर बरसे मुख्यमंत्री अखिलेश। उत्तर प्रदेश में उद्यमी महासम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री को व्यापारियों ने 12 साल बाद हुए सम्मेलन में बुलाया, एक के बाद एक कमियां गिनाई। कहा अधिकारी उत्तर प्रदेश में फाइलें लटका देते हैं, सरकार कहती है तेजी से काम हो, काम होता है यूनिट बंद होने के बाद। मुख्यमंत्री के सामने ही व्यापारियों ने अधिकारियों की पोल खोल दी। यहीं नहीं रुके, कहा व्यापारियों के मुद्दे पर अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। इतना सब सुनने के बाद जब मुख्यमंत्री बोलने उठे तो अधिकारियों से उनकी खींच सामने आ गई। कहा आपकी चिट्ठियां हम तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में भटक जाती है। भरोसा दिलाया कि माहौल बदलेगा। कहा अधिकारी इस बात का फायदा उठाते हैं कि वो सभ्यता से बात करते हैं। हमारे जितने ये उद्योग लगाने वाले लोग हैं इनको 1% भी किसी तरह की परेशानी अधिकारियों के माध्यम से नहीं आनी चाहिए। पर इशारा किया कि अब बहुत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया। कहा जिस अधिकारी ने ज्यादा फाइलें लटकाई उसके ऊपर उतनी ही बड़ी सजा होगी। क्या अब वो मौका आ गया है जब मुख्यमंत्री अपनी सभ्यता छोड़ें और अधिकारियों को उसी भाषा में समझाएं जो उन्हें समझ में आती है। एक ही परिवार के 7 लोगों को उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद के बेहद चहल पहल वाले इलाके नई बस्ती में बुधवार की सुबह अचानक सन्नाटा पसर गया। कारण था एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या। नई बस्ती में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर के साथी घी के कारोबारी सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू, पुत्र सचिन, पुत्रवधि रेखा व 3 मासूम बच्चों की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। सभी की हत्या गला रेत कर की गई थी। गोयल जी के 3 पीढ़ियों की यहाँ पर जो है 7 लोगों के परिवार की हत्या हुई है और ऐसा लगता है कि हत्याएं जो है वो धारदार हथियार से की गई है। इसकी सूचना मिलते ही नई बस्ती के कारोबारियों ने रोष फैल गया। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे तो उनका भी घेरा हुआ और उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जल्द मामले के खुलासे की बात कही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्याकांड में किसी करीबे के शामिल होने की बात कही है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे मेरठ के आईजी भवेश कुमार ने थाना कोतवाली प्रभारी को निलंबित कर दिया है। गाजियाबाद के नरसंहार पे गर्ज अखिलेश यादव, कहा बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। गाजियाबाद में हुए व्यवसायिक के परिवार के 7 लोगों की हत्या पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी किसी कीमत पे बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए उन्होंने पुलिस महकमे को कड़े निर्देश भी दिए। पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरी छानबीन करके जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के इस कड़े तेवर को देखकर पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई और आला अधिकारी सीधे इस मामले को अपने हाथों में लेने के लिए गाजियाबाद रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के दावे एक तरफ और प्रदेश में बढ़ता अपराध का ग्राफ एक तरफ,
जनता को अब दावों की जरूरत नहीं बल्कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत है। राजधानी में देखने को मिली वर्दी की जंग। लखनऊ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों ने आपस में जमकर मारपीट की। बाराबंकी की पीएसी टुकड़ी के ये दोनों सिपाही मुकुंद यादव और सुनील दीक्षित पुलिसकर्मी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे कार्यक्रम में ड्यूटी पर थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का काफिला निकलते ही ये दोनों अपनी तैनाती के पोजीशन को लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि पहले गाली गलौज और बाद में दोनों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। पीएसी चले गए थे, इसके बाद में कुछ आपस में इनका ड्यूटी के लगाने के ऊपर विवाद हुआ। काफी देर तक एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर ये दोनों पीटते रहे। एक दूसरे पर होने वाले वार इतने तेज थे कि दोनों खून से लथपथ हो गए। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों ने और अधिकारियों ने बीच में आने की कोशिश करी लेकिन लाठियों के वार इतने तेज थे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जहां काफी देर बाद अधिकारियों ने बीच में आकर दोनों को शांत कराया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। पीएसी के इन दोनों पुलिस कर्मियों की इस हरकत के बाद इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही इन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री सहित 5 गिरफ्तार। वीरपुर लच्छी गांव में दलितों से मारपीट और उनकी झोपड़ियां जलाने में फायरिंग के आरोप में पुलिस ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सोहन सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गांव के निकट ही एक स्टोन क्रेशर स्थित है जिसका मालिक सोहन सिंह है। बताया जा रहा है कि यहां से गुजरते उप खनिजों के वाहनों के कारण ग्रामीण परेशान है। 1 मई को उन्होंने सड़क पर जाम लगाकर इन वाहनों को नहीं गुजरने दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि इन वाहनों के चलते प्रदूषण हो रहा है जिससे उनका जीना मुहाल होता जा रहा है। वीरपुर लच्छी है, उनके द्वारा 1 तारीख को FIR कायम की गई थी कि सोहन सिंह और उनके बेटों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जो है उनके ऊपर हमला किया गया, मारपीट की गई, फायरिंग की गई, उसी में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। आरोप है कि जाम से आक्रोशित स्टोन क्रेशर के मालिक उसके बेटे व समर्थकों ने गांव में ग्रामीणों से मारपीट की, उनकी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पूरी दबंगई दिखाते हुए कई राउंड फायरिंग भी की थी। उसी दिन ग्रामीणों ने मुकदमा लिखवाया था और तब से ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर स्टोन क्रेशर के मालिक ने भी खुद ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था जिसमें जांच जारी है। मेरठ पुलिस ने किया खुलासा, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब दौराला पुलिस ने केमिकल फैक्ट्री से एक केमिकल के टैंकर को लूटकर भाग रहे 3 बदमाशों को सदरन रोड से धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शौकीन, सोनू और अमरदीप ये वही तीनों शातिर बदमाश हैं जो बीती रात को मेरठ के थाना दौराला इलाके की केमिकल फैक्ट्री में घुसे और वहां केमिकल से भरे टैंकर के चालक के साथ मारपीट और लूटपाट करने के बाद उससे केमिकल से भरा टैंकर लूटकर ले गए थे। 3 बदमाश जिनके पास अवैध असलाह थे, कंटेनमेंट पिस्टल ओवर पावर करके ड्राइवर को उन्होंने गाड़ी लूट ली और गाड़ी अपने निर्देश पे सदना रोड पे लेके भगा रहे थे ये। पुलिस की माने तो पुलिस ने इन्हें उस वक्त धर दबोचा जब ये घटना को अंजाम देकर सदना रोड पहुंचे तो गश्त कर रही पुलिस को टैंकर के चालक ने पुलिस को सारी बात बताई तो पुलिस ने टैंकर का पीछा किया और टैंकर समेत 3 बदमाशों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे और टैंकर चालक से लूटे गए 700 रुपए व टैंकर को भी बरामद कर लिया। मामला है थाना सदर इलाके के सईद नगर का। जब घर में मासूम किशोरी अकेली थी तो पड़ोस के रहने वाले असलम और आसिफ ने उसको बुरी नीयत से दबोच लिया। जब लड़की ने शोर मचाया तो उसके ऊपर जलाने के प्रयास से मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। आगरा थाना सदर इलाके में फिर एक मासूम की बुरी हवस का शिकार बनने से बच गई। उसके पड़ोस के ही रहने वाले असलम और आसिफ ने दिन दहाड़े घर में घुसकर किशोरी को हवस का शिकार बना था और जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो उसी के घर में रखी मेथी के तेल की पट्टी से तेल उड़ेल कर जलाने का प्रयास भी किया। उसके बाद किशोरी बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े 2 को मारी गोली। बहजोई इलाके के रहने वाले नरेश शर्मा और उनकी चाची मुरादाबाद की जेल से अपने रिश्तेदार से मिलकर बाइक पर सवार हो घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही बिलारी थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे तभी घात लगाए बैठे 4 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए और मौके पर ही नरेश की मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोली महिला को भी लगी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। बन मारा मंजीत ने, राजेश ने, मुनंदर ने और देश ने
क्या दुश्मनी मानते थे वो? 302 की जो दुश्मनी थी। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने इलाके के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। दिन दहाड़े फायरिंग और हत्या के पीछे आपसी रंजिश सामने आई है। फिलहाल